हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड दिस इज द पार्ट 5 ऑफ सेकंड चैप्टर फंक्शन इन पाइथन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर और बाहर प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मीनिंग है कि प्रोग्राम में सबसे पहले क्या, कौन सी लाइन रन करेगी। मैंने यहाँ पे लाइन नंबर्स भी लिख दिए हैं, ठीक है, कमेंट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस तरह के कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि आपको एक छोटा प्रोग्राम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी लाइन पहले वर्क कर रही है, फिर उसके बाद कौन सी लाइन वर्क कर रही है, फिर उसके बाद कौन सी लाइन वर्क कर रही है और फिर उसके बाद कौन सी लाइन वर्क कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिंपल सा एक प्रोग्राम होता, जैसे लाइक मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20 और सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सॉरी बी, और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट सी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंपल सा एग्जीक्यूशन होना है, यहाँ पर सिंपल सा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर ये पहली लाइन चलेगी, फिर सेकंड लाइन चलेगी, फिर ये थर्ड लाइन चलेगी और फिर ये फोर्थ लाइन चलेगी, ठीक है। बट फंक्शन में यहाँ पे इस तरीके से वर्क नहीं होता। फंक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क होता है। कैसे वर्क होता है, चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले छोटा प्रोग्राम मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद में कुछ अदर क्वेश्चन भी, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन कौन सी वर्क करेगी। आप यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 2, ये एकदम फ्री लाइन है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला लाइन कौन सा वर्क कर जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ। मेरा फर्स्ट लाइन होगा लाइन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद कौन सी लाइन नंबर आएगी, उसके बाद आएगा अपना लाइन नंबर 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिख दूंगा लाइन नंबर 2। पहला हो गया लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2। अब लाइन नंबर 3 यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन तब ही रन करता है जब हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो लाइन नंबर 3 भी अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। 4 एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लाइन कमेंटेड है, ठीक है। देन 5th लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम लोग अभी फंक्शन के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो सिर्फ फंक्शन को डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाइन नंबर 2 में, और इसके अंदर एक भी लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं लाइन नंबर 6 में। तो लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 2 के बाद डायरेक्ट लाइन नंबर 6 पे आ जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए लाइन नंबर 6। तो इसका तो एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, लाइन नंबर 2 के बाद डायरेक्ट इसका एग्जीक्यूशन हुआ, तो लाइन नंबर 6 पे आ गए। अब लाइन नंबर 6 में जब एग्जीक्यूशन हुआ तो इसने किस फंक्शन को कॉल किया, इसने कॉल किया है एफ फंक्शन को, यानी लाइन नंबर 2 को, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहां से जंप करके लाइन नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे, यह आ गए हम लोग लाइन नंबर 2 पे। अब लाइन नंबर 2 पे क्योंकि अब कॉल किया है तो अब हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तो यहां पे आ गए लाइन नंबर 3 लिख दीजिए, फिर लाइन नंबर 4, क्योंकि लाइन नंबर 4 तो आपका कमेंटेड है तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, हम लोग लाइन नंबर 4 नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे लाइन नंबर 5, क्योंकि लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, लाइन नंबर 5 आ गया। अब लाइन नंबर 5 के बाद क्या, क्योंकि अभी ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन कॉल होने के बाद ये वैल्यू इस p नाम के वेरिएबल में भी जानी है, ठीक है। तो अगेन ये फंक्शन खत्म करने के बाद हम लोग अगेन इस लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी इस लाइन का वर्क खत्म नहीं हुआ है, फंक्शन कॉल हो चुका है, बट इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो अब इस पी वेरिएबल में स्टोर भी होनी है। तो अगेन हम लोग लाइन नंबर 5 के बाद अगेन आ जाएंगे हम लोग लाइन नंबर 6 में, ठीक है। तो लाइन नंबर 6 जब आ गया तो लाइन नंबर 6 के बाद अगेन हम लोग यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे रन हो जाएंगे, नेक्स्ट लाइन लाइन पे मूव हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा लाइन नंबर 7, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फंक्शंस के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये फंक्शन, जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, ये मैंने इस वेरिएबल में स्टोर ना किया होता, ठीक है, इस वेरिएबल मैंने स्टोर ना किया होता तो क्या होता, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 6 पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका काम हो चुका है कि भाई इसने यहाँ पे जंप करा दिया, फिर लाइन नंबर 3, 4, 5, हम लोग 5 के बाद अगेन, अगर मैं यहाँ पे इसको पी में इसको सेव नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ अगर इसको पी में सेव नहीं करा रहा हूँ तो लाइन नंबर 6 दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो लाइन नंबर 6 दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम लोग 5 के बाद डायरेक्ट ही 7 पे जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस
वैल्यू को, जो यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू आ रही है, इसको अगर मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, क्योंकि ये काम पहले हो रहा है और ये काम वेरिएबल में स्टोर होने वाला काम बाद में हो रहा है दोबारा जब घूम के आ रहा है, तो यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा कि भाई अब लाइन नंबर 6 का भी यहाँ पे वर्क हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता है किसी भी प्रोग्राम का विद फंक्शन। ठीक है, आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोगों के सामने एक प्रोग्राम है और इसी तरह के प्रोग्राम आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आंसर यहाँ पे लिख चुका हूँ और हम लोग इसी को टैली कराएंगे। ठीक है, और समझते रहिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले कोई वेरिएबल नहीं बनाया जा रहा, सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 अपना एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइन नंबर 1। अब क्योंकि अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, विदाउट फंक्शन कॉलिंग हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, तो अभी ये जो एरिया है ये एरिया अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो इस एरिया के हम अंदर नहीं गए, तो यहाँ पे ये पूरा हम लोग स्किप कर दिया फिलहाल। अब उसके बाद अगेन हम लोग आए लाइन नंबर 5 पे, तो अगेन यहाँ पे मैं लिखा लाइन नंबर 5। ठीक है, तो अगेन क्योंकि यहाँ पे सेकंड फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो जो भी फंक्शन डिफाइन होगा उसको हमें लिखना है। ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। अब उसके बाद क्या, अगेन हम लोग इसके अंदर भी नहीं जा पाएंगे। अब इसके बाद मैं आता हूँ सीधा लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 में एक वेरिएबल बनाया जा रहा है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा लाइन नंबर 9। ठीक है, लाइन नंबर 9 के बाद क्या, लाइन नंबर 9 के बाद 10। ठीक है, यहाँ पे लिखा लाइन नंबर 10। अब अगेन लाइन नंबर 10 में एक वेरिएबल बन रहा है रिजल्ट, और उसके अंदर फंक्शन कॉल किया जा रहा है स्क्वायर, और अंदर वैल्यू दी गई है n। तो अब फंक्शन कौन सा है स्क्वायर, ये फंक्शन यहाँ पे ये है, तो अब इसका लाइन नंबर क्या है, 5। यानी 10 के बाद हम लोग 5 पहुंच गए। ठीक है, 10 के बाद हम लोग 5 पे पहुंच गए। अब 5 को चलो एग्जीक्यूट करते हैं। 5 के बाद हम लोग नीचे आएंगे इस यहाँ पे, और ये लाइन नंबर 6, तो यहाँ पे हम आ गए लाइन नंबर 6 में। ठीक है, अब लाइन नंबर 6 में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे a नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर पावर फंक्शन यानी पावर फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो पावर फंक्शन कहाँ पे है, पावर फंक्शन आपका लाइन नंबर 1 पे है। तो अगेन हम लोग लाइन नंबर 6 के बाद रिडायरेक्ट हो जाएंगे लाइन नंबर 1 पे। ये आगे यहाँ पहुंच गए लाइन नंबर 1 पे। अब क्योंकि लाइन नंबर 1 कॉलिंग हुई है, लाइन नंबर 1 की इस फंक्शन की कॉलिंग हुई है, तो अब हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तो लाइन नंबर 1 के बाद अब हम लोग लाइन नंबर 2 पे आ गए। तो ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 के बाद हम लोग लाइन नंबर 3 पे आ गए, हम लोगों ने यहाँ लिख दिया लाइन नंबर 3। अब इस फंक्शन का काम पूरा हो गया, इस फंक्शन का काम हो गया पूरा। अब हम लोग वापस यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू अब इस ए वेरिएबल में स्टोर होनी है। ठीक है, तो अब क्योंकि वेरिएबल स्टोर होनी है, तो हम लोग अगेन लाइन नंबर 6 पे आ गए। ठीक है, देन अब लाइन नंबर 6 का काम हो गया, अब हम लोग नीचे आ गए लाइन नंबर 7 पे आ गए। ठीक है, अब लाइन नंबर 7 क्योंकि अगेन ये भी फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये फंक्शन अब कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग कहां पे वापस रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वापस इस जगह, क्योंकि ये वाला वर्क तो हो गया कंप्लीट। वर्क कौन सा बचा हुआ है, वर्क बचा हुआ है रिजल्ट में स्टोर करने का। तो अगेन हम लोग लाइन नंबर 10 पे आ गए। ठीक है, लाइन नंबर 10 के बाद फाइनल प्रिंटिंग हमारी हो रही है, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे आ गए। तो आई होप अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क करता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक छोटा सा होमवर्क अगेन आप लोगों के लिए, मैं आपको एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपरली दिख पा रहा होगा, जिसको मैं रेड बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन नंबर्स भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, और आपका होमवर्क ये है कि इस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो दिस इज योर लिटिल होमवर्क। ओके, सो गाइज, एट लास्ट आई होप कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।